न गंगा सदृश तीर्थ न दिवह के स्वाद पर महाभारत वन पर्व। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं केशव से परी, कोई देव नहीं भागीरथी गंगा। भगवान विष्णु के चरणों के कमलों से निस्रत होकर के ब्रह्मा के कमंडल में समाहित हो भगवान शिव की जटाओं में विलीन होते हुए भागीरथ की अथक प्रयासों से जनकल्याण हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुई उन गंगा का सानिध्य जिस मनुष्य को क्षण भर भी प्राप्त हो जाए वह धन्य है। माँ गंगा का सानिध्य इतना प्रभावी है, इतना फलप्रद है कि उनका स्पर्श दर्शन पूजन पान आदि के द्वारा मनुष्यों के विभिन्न पापों का क्षय करते हुए उसकी सात पीढ़ियों का भी उद्धार कर देती हैं। माँ गंगा का आविर्भाव के रूप में विभिन्न कथाएं आई हैं। मुख्य रूप से ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि को गंगा अवतरण माना जाता है और यह तिथि गंगा दशहरा के रूप में जानी जाती है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि हस्त नक्षत्र को गंगा जनकल्याण हेतु स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। यह गंगा दशहरा का पर्व माना गया है। यह अति शुभ एवं जनकल्याणकारी पर्व माना गया है। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के द्वारा प्राप्त भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकल करके ब्रह्मा के कमंडल में समाहित होते हुए भगवान आशुतोष की जटाओं में विलीन होते हुए जनकल्याण मनुष्यों के उद्धार हेतु ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि हस्त नक्षत्र को स्वर्ग से गंगा का अवतरण हुआ। यह पर्व गंगा दशहरा गंगा अवतरण दिवस के रूप में माना जाता है। ज्येष्ठ मासे स्थिति पक्षे दशमी हस्त संहिता हरते दस पापानी। तस्मात दशहरा स्मृता। इस दिन गंगा पूजन गंगा स्मरण गंगा दर्शन गंगा का स्पर्श गंगा का पान आदि विशेष फलदायी कहे गए हैं। यह मनुष्य के विभिन्न प्रकार के जो पाप हैं जो दूषित कर्म हैं उनको क्षय करने वाला पर्व माना गया है। ओम नमः शिवाय नारायण्य दशहराय गंगाये नमः। इस विशेष मंत्र के द्वारा इस दिन गंगा का ध्यान करें, पूजन स्मरण आदि करें। इस वर्ष यह पर्व 1 जून सोमवार को हस्त नक्षत्र युक्त भी होने से विशेष फलदायी है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र दसवीं तिथि यह संवत्सर का मुख भी कही गई है। इस विशेष दिन गंगा का स्मरण गंगा का पूजन
गंगा का दान आदि जो है वह जन्मों के पापों को नष्ट करते हुए मनुष्य की पीढ़ियों का भी उद्धार करता है, उन्हें भी सदगति प्रदान करता है। इस विशेष पर्व पर गंगा का शास्त्रीय विधि विधान से पूजन स्मरण आदि के द्वारा मनुष्य के 10 प्रकार के पापों का क्षय होता है। 10 प्रकार के जो पाप क्षय होते हैं उनमें 3 कायिक, 4 वाचिक, 3 मानसिक, इस प्रकार यह 10 पाप उनका क्षय होता है तथा मनुष्य के विभिन्न दूषित जो कर्म हैं उनका भी नाश होते हुए उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस विशेष पर्व पर शास्त्रीय विधि से पूर्णतः मानसिक एवं शारीरिक शुद्धता के साथ में किसी पवित्र सरोवर जल स्रोत पर और यदि सौभाग्य से गंगा माता का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो अति उत्तम। ओम गंगाए नमः इस मंत्र से गंगा जी का ध्यान, उनका पूजन, उनके स्त्रोत आदि का पाठ, स्नान कर्म तथा यथाशक्ति यथासमर्थ दक्षिणा आदि करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, 10 प्रकार के फल, 10 दीपक आदि का दान करें, इस दिन अपने विभिन्न प्रकार के दूषित कर्म हैं उनको समाप्त करने हेतु, अपनी पीढ़ियों की सदगति हेतु गंगा पूजन अवश्य करें। साथ ही इस विशेष पर्व में यदि आप कोई शुभ कार्य या किसी मंगल कार्य को करना चाहते हैं जिस हेतु कोई विशेष योग या शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं है तो निसंकोच होकर के इस दिन उस शुभ कार्य को, उस कर्म को कर सकते हैं। यह संवत्सर मुख की तिथि तथा गंगा अवतरण का दिवस उन शुभ कर्मों को करने के लिए उपयुक्त तथा अति शुभ फलदायक योग माना गया है। अतः इस दिन में किए गए कोई भी कार्य को शुभ एवं मंगलदायी फलप्रद माना गया है। मनुष्य जीवन को सार्थक करने हेतु अपने दूषित कर्मों, पाप कर्मों के क्षय हेतु, अपने पूर्वजों की सदगति हेतु इस दिन विशेष प्रयत्न करके गंगा पूजन, गंगा स्नान, गंगा का ध्यान, उनके स्त्रोत आदि का पाठ अवश्य कर लेवें, इस पर्व काल का लाभ अवश्य लें। पुनः भेंट होगी, पुनः एक नए विषय नए पर्व के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।